Hello guys, I'm Nishant Kumar here to discuss about the basic electronics. Basic electronics में हम लोग क्या कर रहे थे जी, तो semiconductor diode के बारे में discussion कर रहे थे. इससे पहले मैंने electrical electronics, basic science and engineering, कुछ currents के मैंने playlist बना रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. तो आपका मेरे नए चैनल जीनियर स्टडी में आपका स्वागत है जी. जीनियर स्टडी को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और दोस्तों को भी रिकमेंड करे. अब तक अपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी दबा दें, और आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दें जी. जब भी कोई मेरा वीडियो अगर प्रीमियम करता हूं तो उसका रिमाइंडर क्या करे, आप ऑन कर दे, जिससे ताकि आपको हर एक नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके. मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे चैनल में इम्प्रूवमेंट हुई है तो अब नोटिफिकेशन का इशू नहीं आ रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है जी. चलिए, तो हम लोग ने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में डिस्कशन किया था. उसके बाद अब डिस्कस करने वाले हैं जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड बायस, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है जी फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में क्या होता है टेम्परेचर का इफेक्ट. तो चलिए जी, इससे पहले हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का दोनों का डिस्कस कर लिया था कि फॉरवर्ड बायस में कैसे कैरेक्टर होता है. तो फॉरवर्ड बायस का कैसे कैरेक्टर होता है जी, फॉरवर्ड बायस में ऐसे डायोड का कैरेक्टर होता है. इसमें क्या होता है, पहले पहले वोल्टेज बढ़ाते हैं, धीरे धीरे तो क्या होता है करंट बढ़ता है, उसके बाद एकाएक क्या होता है जी वोल्टेज बढ़ जाता है. यहाँ पे एक्चुअली एक जो ड्राइंग है थोड़ा सा गलत दिखा रखा गया है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा और ऊपर से जाएगा ऐसे, ठीक है ना. और इसमें सही है, बैक में यानी जेनर डायोड में बैक यानी रिवर्स कनेक्शन के लिए ये तो सही बना रहा है, फॉरवर्ड के लिए थोड़ा गलत बना रखा है, थोड़ा इसको और ऊपर से ले जाना चाहिए था जी, ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं कि फॉरवर्ड करंट में इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का. तो देखिए लिखा हुआ है फॉरवर्ड करंट, देखिए फॉरवर्ड करंट क्या होता है जी, जब फॉरवर्ड कनेक्शन होता है तो फॉरवर्ड में होता है, तो फॉरवर्ड कनेक्शन में करंट का जो फ्लो होता है किसके वजह होता है, तो मेजोरिटी कैरियर चार्ज की वजह से होता है. तो मेजोरिटी कैरियर चार्ज की वजह से होता है. तो अगर बात की जाए तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएं या घटाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से किसका इफेक्ट पड़ता था, तो नंबर ऑफ किसका जी इफेक्ट पड़ता था, तो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का इफेक्ट पड़ता था. इसका मतलब हुआ कि फॉरवर्ड करंट में तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या करता है, हमारा करंट मेजोरिटी कैरियर चार्ज ही फ्लो करता है. तो जिसमें अब इसकी संख्या में ना इम्प्रूवमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा, थोड़ा सा ये होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा जी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो लेकिन मेजोरिटी कैरियर चार्ज इतनी संख्या में ज्यादा है कि उसका जो करंट है वही मेजोरिटी रहेगा, माइनॉरिटी का थोड़ा जो इम्प्रूव होगा वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. चलिए आगे पढ़ते हैं. देखिए फॉरवर्ड करंट बहुसंख्यक मेजोरिटी पर निर्भर करता है, बोला है क्या जी, मेजोरिटी करता है, मेजोरिटी करियर टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता. अब देखिए मेजोरिटी करियर टेम्परेचर पर नहीं करता, इसलिए फॉरवर्ड करंट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, ठीक है. मैंने जो बात बोला वही बात लिखा हुआ है. माइनॉरिटी करियर करंट को लीकेज करंट या उसमें धारा करंट कहते हैं. देखिए माइनॉरिटी करियर है तो माइनॉरिटी करियर करंट क्या होता है जी, लीकेज करंट भी बोलते हैं उसको या उसमें धारा करंट भी बोलते हैं. तो ये नाम याद रखिएगा जी, क्या करता है कभी कभी ये पूछ लेता है जी. टेम्परेचर बढ़ने से माइनॉरिटी बढ़ने के कारण लीकेज करंट तो बढ़ेगा. देखिए लीकेज करंट क्या है जी, आई नॉट है. देखिए जैसे आई एफ लिख रहे थे, आई नॉट ई टू पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी, तो यहाँ पे क्या है वी डायोड है, ईटा क्या है जी कॉन्स्टेंट है, वी टी क्या है जी तो वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. तो देखिए वो डायोड के अक्रॉस जो होता है, तो यही आई नॉट क्या है रिवर्स करंट है, तो ये आई नॉट चेंज होगा लेकिन आई एफ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ई के पावर समथिंग जो है वो ई के पावर समथिंग जो है इसमें क्या है वी टी, और वी टी थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उससे क्या हो जाएगा असर नहीं पड़ेगा. तो वो वही अप्रोक्स क्या लिखा है, कॉन्स्टेंट लिखा है, क्योंकि किस कनेक्शन में जी, तो फॉरवर्ड कनेक्शन की बात हो रही है, रिवर्स बायस की नहीं बात हो रही है, फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है जी. लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ता है, इसलिए आई एफ कॉन्स्टेंट रहता है. लेकिन आई एफ फाइनल क्या हुआ जी, कॉन्स्टेंट रहा. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वीटी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वीटी बढ़ता है, और वीडी क्या है जी घटता है, वीडी घटता है. वीटी के बढ़ने से और वीडी के घटने से इतना क्या होता है, अल्टीमेट क्या होता है जी, ए घट जाता है. अल्टीमेट जो ई के पावर समथिंग है वो क्या होता है, घट जाता है. लेकिन ओवरऑल जो सब मल्टीप्लाई रहता है क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए ये सब पॉइंट है, थोड़ा सा नोटिस किए रहिएगा तो एग्जाम में क्या होगा जी, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको क्या होगा, हेल्पफुल होगा उसको आंसर लगाने में जी. इसलिए जरूरी है कि हर कंसेप्ट को याद रखें. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़िएगा जी. बोला है
टेम्परेचर बढ़ने फॉरवर्ड वीडी तो बढ़ा था ज्यादा, लेकिन लीकेज करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लीकेज करंट और मैग्नेटिक कैरियर करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट और थर्मल जनरेटेड करंट भी कहते हैं। अब लीकेज करंट को क्या क्या बोलते हैं, तो लीकेज करंट मैग्नेटिक कैरियर करंट भी बोलते हैं क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। रिवर्स सेचुरेटेड करंट बोलते हैं क्योंकि क्या होता है जी, रिवर्स बायस में होता है और सेचुरेटेड होता है, फिक्स होता है, उसके बाद क्या होता है रिवर्स करंट नहीं बढ़ सकता जी। उसके बाद थर्मली जनरेटेड है यानी टेम्परेचर की वजह से जनरेट होता है, इसलिए थर्मली जनरेटेड करंट भी बोल रहे हैं। तो इसका नाम क्या है जी, अलग अलग नाम है। बोला है जर्मेनियम के लिए लीकेज करंट कितना होता है, तो माइक्रो में होता है, और सिलिकॉन के लिए किस में होता है जी, तो नैनो एम्पियर में होता है, तो यानी बहुत ही कम होता है। देखिए माइक्रो नैनो में क्या है जी, बहुत ही कम अमाउंट में है। अब बोला है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड वीडी घटता है, 1 डिग्री टेम्परेचर से वीडी घटता है, तो कितना घटता है जी, तो 2.5 मिली वोल्ट घटता है ओल्ड के अनुसार, और न्यू के अनुसार क्या है जी, 2 मिली वोल्ट घटता है जी। तो हमको ये याद नहीं रखना वैल्यू, बस ये याद रखना कि घटता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से लीकेज करंट बढ़ता है भाई 7%, ये भी नहीं याद रखना जी। चलिए रिवर्स बायस हमने कल पढ़ रखा है, तो रिवर्स बायस आज डिस्कस नहीं करेंगे। फिर से आते हैं जी नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज। देखिए नाम जिसका भी अगर 2-3 होगा तो तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, बार बार क्या होता है जी क्वेश्चन क्या होता है उसी को 2 बार क्वेश्चन पूछ लेता है नाम का कि इसको क्या कहते हैं जी। जैसे बोल देगा नी वोल्टेज को क्या कहते हैं, ऑप्शन में थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी रहेगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, थोड़ी सी बचकाना वाला क्वेश्चन आता है लेकिन उसको भी हमको तैयार करना पड़ेगा जी। आपको भी पता है आईटीआई बेस पे क्या है एग्जाम है, तो इसमें क्या होगा बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी डायोड में धारा का प्रभाव फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है, बोला है देखिए ये डायोड है जी, ये क्या है मेरा, देखिए ये क्या है मेरा फॉरवर्ड बायस, सॉरी यहां पे देखिए ये क्या है जी फॉरवर्ड बायस, थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे है। क्योंकि फॉरवर्ड में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है जी, और इतना करंट कम नहीं बढ़ता है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है मेजरेबल होता है, ऐसा नहीं होता है कि नेग्लिजिबल है। लेकिन रिवर्स में क्या होता है करंट का डायरेक्शन क्या होता है नेग्लिजिबल होता है जी, करंट का डायरेक्शन बहुत ही कम रहता है। तो यहां से देख सकते हैं, तो अगर ये स्टैंडर्ड बुक में या गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो देखिएगा थोड़ा सा करेक्टर क्या होता है चेंज होता है। अब वही बोल रहा है कि नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज क्या है, तो चलिए देखते हैं फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में भी दोनों में देखेंगे जी, और उसके बाद हम लोग समझेंगे जीनर डायोड के बारे में। और जीनर डायोड ही हमारे लिए क्या है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी हमने जीनर स्टडी हम अपने चैनल का भी नाम रखा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ही होगा। चलिए जी, जब किसी डायोड में धारा का प्रवाह फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है तो पहले वोल्टेज बढ़ने पर करंट धीरे धीरे बढ़ता है। बोला है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखिए जी वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा करंट भी बढ़ेगा, ये बोल रहा है। उसके बाद बोला है सप्लाई वोल्टेज का मान बैरियर पोटेंशियल से अधिक हो जाए। अब बोला है कि सप्लाई वोल्टेज का मान, अब सप्लाई वोल्टेज यहाँ क्या है जी ये बैरियर वोल्टेज है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या है जी करंट का जो मान है, देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा करंट थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का डायरेक्शन करंट का मान क्या हो रहा है बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इसका मतलब हुआ है कि थोड़ा इसको ऐसे एक्चुअली इस कर्व को देखिए यहाँ पे इसको ऐसे बनाना चाहिए, इसने थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर या जैसे भी इन्होंने बनाया है उसका, इसको ऐसे आना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये नहीं हुआ कि एक जगह बाद ऐसा फिक्स होगा, ऐसा नहीं होगा जी हाँ। लेकिन ये क्या है नी वोल्टेज के बाद क्या होगा जी बहुत ज्यादा ही इंप्रूवमेंट होगा। इसमें थोड़ा सा इस कर्व में थोड़ा सा अंतर है जी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा उसको। बोला है करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है, फॉरवर्ड बायस का वो वोल्टेज जिस पर डायोड में करंट का प्रवाह अचानक तेजी से बढ़ता है उसे नी वोल्टेज बोलते हैं। जहां से अब क्या होगा तेजी से बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे जी नी वोल्टेज बोलते हैं। तो नी वोल्टेज डायोड का एक नॉन लिनियर डिवाइस है। बोले जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इससे पहले इलेक्ट्रिकल में जो भी हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था जी हम लोग लीनियर, ओम्स लॉ क्या है लीनियर है, हीट लॉ क्या है जी लीनियर है, तो हम लोग वहां पे लीनियर का कर रहे हैं जी। लेकिन अगर जैसे ही सेमीकंडक्टर में आते हैं तो क्या होता है जी ये नॉन लीनियर डिवाइस है। देखिए यहाँ जो वोल्टेज और करंट में क्या है जी लीनियर नहीं है, स्लोप हमेशा फिक्स नहीं है, यहाँ स्लोप क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो इसलिए बोल सकते हैं डायोड क्या है जी एक नॉन लीनियर डिवाइस है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी पार्ट आएंगे आपको इंडक्टर आएगा कैपेसिटर आएगा जेनर डायोड आएगा टनल डायोड आएगा लेड एटमी डायोड आएगा ट्रांजिस्टर आएगा जेफेट आएगा मॉसफेट आएगा सीमेट आएगा एनमॉस आएगा जो भी आएगा, कहने का मतलब क्या है सारे के सारे नॉन लीनियर डिवाइसेस हैं। क्या जी नॉन लीनियर डिवाइस है जिनका मतलब स्लोप क्या होता है बार बार बदलते रहता है। जैसे इसी ग्राफ में क्या है इसका स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे स्लोप लगा रहा है फिर से बदल रहा है फिर से बढ़ रहा है। देखिए स्लोप अगर देखा जाए तो ऐसे होता है यानी इस पे एक लाइन खींचिए तो स्लोप बोलेगा, ये स्लोप देखिए बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है इसे बढ़ रहा है, स्लोप हमेशा क्या हो रहा है बढ़ रहा है यानी स्लोप क्या ढाल ढाल एक तरह से समझ सकते हैं। जैसे कोई प्लेन है मान लीजिए तो ये प्लेन है तो कैसे सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा है
क्या जी ऐसा मेरे पास वेज है तो इसमें ढाल है, यही तो ढाल है, ये ढाल घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ढाल देखिए बढ़ रहा है, ढाल क्या हो रहा है, इसे बढ़ रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे स्लोप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है जी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, स्लोप फिक्स होता है जी, और बाकी नॉन लीनियर डिवाइसेस क्या होते हैं, स्लोप चेंज होते हैं। तो यही बोला है कि बैरियर वोल्टेज क्या है जी, सिलिकॉन के लिए देखिए, अब बैरियर वोल्टेज हमको ये याद रखना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझिए हर जगह जहां ग्राफ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए सिलिकॉन का रहता तो क्या लिखते हैं, यहाँ 0.7 वोल्ट लिखते हैं, अगर ये जर्मेनियम का रहता तो 0.3 वोल्ट लिखते हैं। देखिए अब वही याद करना है, बैरियर वोल्टेज जर्मेनियम का क्या है जी, तो 0.3 वोल्ट है, बैरियर वोल्टेज सिलिकॉन का क्या है, तो 0.7 वोल्ट है, ठीक है जी। उसको बैरियर वोल्टेज बोल सकता है, कट इन वोल्टेज बोल सकता है, नी वोल्टेज बोल सकता है, थ्रेशोल्ड वोल्ट बोल सकता है जी। अब देखिए नी वोल्ट जर्मेनियम के लिए एक रेंज रखा है, इस रेंज को भी रखा है, चलिए उतना हमको ये नहीं याद है, बैरियर वोल्टेज जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी बैरियर वोल्टेज। चलिए अब टेम्परेचर पे इफेक्ट ये सब छोड़िए, कोई बात नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज का मान घटता है, ठीक है, बोला कि टेम्परेचर बढ़ने से नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज का मान घटता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, देखिए अब ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है जी, तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या है जी, करंट तो बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक करंट बढ़ा रहे हैं तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अचानक क्या होगा, एक ऐसा वोल्टेज हो जाएगा जिस वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर में जो हमारा पीएन जंक्शन जो था, हमारा पीएन जंक्शन था, तो पीएन जंक्शन में क्या था जी, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर था ना, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगा जी, देखिए अब यहां से अगर हम मान लीजिए हम कोई सप्लाई वोल्टेज देखें, समझिएगा इस कंसेप्ट को, क्योंकि देखिए ये लॉजिकल पार्ट है और इसको अगर नहीं समझिएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए जी यहाँ पे क्या है, होल है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल क्या करेगा, यहाँ से कंबाइन करके एक बताया था क्या जी, बैरियर बनाया था, डिप्लीशन रीजन बनाया था, तो डिप्लीशन रीजन बन गया, तो इसके क्रॉस क्या हो गया जी, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, वो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी, 0.2 मान लीजिए अगर 2 वोल्ट है, अगर 0.2 से कम वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, कोई भी होल इधर क्रॉस नहीं करेगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन नहीं पॉसिबल है। लेकिन मान लीजिए अगर हम 0.2 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई देते हैं, इसमें अगर रजिस्टर वगैरह सब कुछ है, मान लीजिए मैंने ऐसे शॉर्ट बना रखा है, रजिस्टर वगैरह भी है जी, बहुत सारे सर्किट है, लेकिन अगर इससे कम वोल्टेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें होल इधर क्रॉस नहीं कर, जिससे क्या हो जाएगा जी, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो मान लीजिए 0.2 के बाद क्या हो जाएगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएगा जी, जाने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसा भी फिर से उसके बाद इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दे कि क्या हो, ये डिप्लीशन रीजन और ये पी, ये सारे के सारे क्या होगा, पूरा का पूरा बैरियर तोड़ दे, और क्या हो, यहां से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो भी है ऐसे मूव करने लगे, डायरेक्ट मूव करने लगेगा, क्या जी, कोई भी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बहुत ही हाई हो जाए, कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बहुत ही हाई हो जाए, रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, बहुत ही लो हो जाए, तो उस स्टेट को बोलते हैं ब्रेक डाउन बोल जाए, और इस एक बाढ़ की तरह अवलांश आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो करने लगा, एक फ्लो आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा जी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेक डाउन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे जी, ब्रेक डाउन बोलेंगे। चलिए तो अब ब्रेक डाउन भी दो तरह के होते हैं, अब अभी हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं पॉइंट्स, क्योंकि देखिए थ्री पॉइंट भी पढ़ना क्या है जी, जरूरी है कि एग्जाम में क्या है जी, पूछा जा सकता है कुछ रटने वाले पॉइंट्स है। चलिए आपने कंसेप्ट समझ रखा है, तो दो तरह के होते हैं ब्रेकडाउन भी, हम उसको पढ़ेंगे जी, कौन कौन से ब्रेकडाउन होते हैं। जब डायोड रिवर्स बायस में स्थिति में रहता है तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान नहीं बढ़ता है, ठीक है, अब जैसे रिवर्स बायस है जी, यहाँ पे देखिएगा, तो बोल रहा है कि रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है, करंट का मान नहीं बढ़ रहा है, देखिए बहुत करंट लो है, तो ही बात बोल रहा है कि करंट का मान क्या होता है, बहुत लो होता है, क्योंकि करंट माइनॉरिटी चार्ज करियर के कारण होता है, क्योंकि चार्ज क्या है, किसकी वजह से हो रहा है जी, तो माइनॉरिटी चार्ज करियर है, और माइनॉरिटी चार्ज करियर क्या है, लिमिटेड है, तो डायोड में नियत ताप पर भी माइनॉरिटी चार्ज करियर की संख्या क्या होती है, निश्चित रहती है, तो संख्या तो निश्चित है, तो उसका संख्या तो बढ़ेगा नहीं, तो करंट भी नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब हुआ, लेकिन जब नेगेटिव वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाए, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस की स्थिति में अचानक रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने लगता है, बोलता है कि रिवर्स करंट क्या हो रहा है जी, अचानक तेजी से क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिससे रिवर्स करंट कहते हैं, तेजी से बढ़ने से ब्रेक डाउन वोल्टेज, जीनर वोल्टेज या अवलांच वोल्टेज कहलाता है। देखिए याद रखिएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, अवलांच वोल्टेज कहलाता है। अब देखिए मैंने बोला ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ब्रेक डाउन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से है? तो जीनर ब्रेक डाउन और अवलांच ब्रेक डाउन, क्या होते हैं, जीनर ब्रेक डाउन, अवलांच ब्रेक डाउन, तो उसीलिए ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोल रहा है, या जीनर वोल्टेज भी बोल रहा है, या अवलांच वोल्टेज भी बोल रहा है जी। अब देखिए कोई देखिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी नाम तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए क्या है जी, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान
ना दीजिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा जी। आपको भी पता है पटना में तो ऐसे ऐसे टीचर बैठे हैं जिन्हें तो सही से हिंदी भी नहीं बोलनी आ रही है, सही से हिंदी भी बोलनी नहीं आती है, लेकिन क्या है पढ़ा रहे हैं लिए। तो कोई बात नहीं है, और उन सब बातों पर ध्यान न दीजिए, अपना जो भी है जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है, और इसने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लॉजिकल कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि पता है ऐसा ना हो कि आप पार्ट ए में आप एग्जाम पास कर जाएं और पार्ट बी में ही, मतलब समझ रहे ना, तो ऐसा ना करें। तो कम से कम इस पोर्शन पे भी ध्यान दें। मैं मानता हूं कि स्कोरिंग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि इतना पढ़ लिया जाए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उसको पास कर जाए। 35% कोई बहुत बड़ी नहीं होती है मार्क्स की, 35% तो मेरे हिसाब से अगर कोई पढ़ा भी होगा तो उसको तैयारी करने की भी जरूरत नहीं, तो जाएगा एग्जाम में और ऐसे एग्जाम दे देगा तो 35% आ जाएगा। 35 का मतलब होगा 27-28 क्वेश्चन होगा, 28 क्वेश्चन यानी 75 में से आता है तो पास हो जाएगा। तो इसलिए देख सकते हैं कि ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा जी, टेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि पता चला है कि बहुत ज्यादा हिलेंदी सिलेबस है और फर्स्ट टाइम है, किधर से आना है क्या नहीं आना है आपको भी पता होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी पढ़ा रहे हैं जो कोई और पढ़ा रहा है, कुछ कुछ और पढ़ा रहा है, कुछ और पता नहीं चल रहा है। तो मैं निमी पैटर्न का जो बुक है उसी को मैं स्टैंडर्ड मान रहा हूँ जी, और उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी लेवल का आएगा, तो आप भी उसी से बनाइएगा। आपको भी पता है निमी पैटर्न के जो बुक है, निमी पैटर्न के जो बुक आ रहे हैं वो क्या है जी, बहुत अच्छे हैं, और उन्हीं से आप क्वेश्चन लगाए। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का है क्या जी, निमी पैटर्न का बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई, तो निमी पैटर्न का है, यही निमी लिखा हुआ है, तो इससे देख सकते हैं आपके सारे बुक इसके हैं, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है, आप वहां से उसको लगा सकते हैं, इसके जाइएगा क्वेश्चन बैंक मांगिएगा आपको मिल जाएगा। तो ITI वाले मतलब जो क्लासेज होते हैं उन पे मिलेगा जी, तो ज्यादा उनके भी न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके भी न्यूमेरिकल क्या है जी, बहुत कम ही आते हैं, लेकिन मिलेंगे, उनके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ईयर के हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने के कारण कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन के टूटने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। आज लग रहा होगा थोड़ा बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जी, मानता हूं कि पार्ट क्या जी कंसेप्चुअल है, और अब थोड़ा सा जो भी होगा टफनेस बढ़ती जाएगी, ट्रांजिस्टर में भी बढ़ेगा, सीमोस में भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ऑसिलेटर में भी बढ़ेगा जी। डिप्लेशन रीजन, जब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, अब देखिए जी, अब डिप्लेशन रीजन हमने पढ़ रखा है, डिप्लेशन रीजन कौन सा होता है, ये वाला जो है रीजन, वो क्या है, डिप्लेशन रीजन होता है। तो देखिए डिप्लेशन रीजन की बात करते, बोला जब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है तो एन क्षेत्र में पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं और जंक्शन के निकट मिलने एक दूसरे से उदासीन कर देते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या होते हैं, रिकम्बिनेशन होता है। यानी जो ये होल है, देखिए यहाँ पे जो हमारा पीएन जंक्शन है, यहाँ पे पी है एन है, तो इधर होल होंगे, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये एक दूसरे से क्या होगा जी, आके नलीफाई करेगा, तो क्या करेगा, रिकम्बिनेशन करेगा, उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को वही बोला रिकम्बिनेशन कहते हैं जी। रिकम्बिनेशन प्रक्रिया के कारण जंक्शन के निकट एक्सेप्टर परमाणु और डोनर परमाणु का निवेश आवेश विहीन होने के कारण स्थिर हो जाते हैं और जंक्शन के निकट एक डिप्लेशन रीजन का निर्माण होता है। ये सब तो हमने बता रखा है जी आपको, वहां पे स्टार्ट किया था, तो उसी समय डिप्लेशन रीजन के कारण पी में होल और एन में इलेक्ट्रॉन का आर पार नहीं जा सकते, जिसे डोनर डोनर और एक्सेप्टर एक्सेप्टर परमाणु का विकर्षण प्रभाव होता है, जिसे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जी। इसीलिए देखिए डिप्लेशन बैरियर पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया जी, जिसके कारण बैरियर पोटेंशियल हो गया, ये सब मैंने बता रखे हैं, लेकिन फिर भी इसको एक थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है जी। पीएन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन में एक्सेप्टर और डोनर परमाणु के कारण जो विभव बनता है उसे बैरियर पोटेंशियल यानी रोधक विभव हिंदी में कहते हैं जी, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, या रोधक विभव मेजोरिटी कैरियर की जंक्शन को पार जाने से रोकता है, क्या जी, मेजोरिटी कैरियर क्या कहता है, पार जाने से रोकता है, जिसके कारण से क्या होता है, आर पार मेजोरिटी कैरियर के प्रभावित होने के कारण तो बाहर में बैरियर पोटेंशियल से अधिक वोल्टेज देना होगा। इसका मतलब हुआ कि इससे ज्यादा अगर पोटेंशियल देंगे तो ही क्या होगा, हमारा कि अब हमारा क्या होगा, फ्लो करेगा। अब बात करते हैं नोट, जर्मेनियम जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का 0. क्या होता है, 7 होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है जी। बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, अब देखिए एक नया टर्म आया पीक इनवर्स वोल्टेज, देखिए जी बोला है पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड के रिवर्स बायस में यह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना संधि के ब्रेकडाउन को डैमेज किए संधि को आरोपित की जा सकती है। देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए इसको हम पीएन जंक्शन है, मेरा पीएन जंक्शन है, इसको हमने रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस कैसे होता है, इधर छोटा वाला रहेगा इधर बड़ा वाला रहेगा जी तो रिवर्स बायस में हो गया, रजिस्टर वगैरह मान लीजिए और भी सर्किट है। अब इसमें बोल रहा है
कि इसको मैक्सिमम वोल्टेज बढ़ाते जाइए, स्टार्ट कीजिए वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तो वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते ऐसा स्टार्ट कीजिए जहां पे क्या हो, ये क्या करे, ये मेरा जो डायोड है उसको क्या करे, सह सके, यानी उसको बियर कर सके, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे जी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। उस वोल्टेज से अगर ज्यादा वोल्टेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमारा यही आएगा पीक इनवर्स वोल्टेज का आया, जहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे जी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट करेंगे, उसके बाद जेनर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर अचल डोनर और स्वीकार आयनों के कारण निर्मित होता है जी, ठीक है। पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक कैरियर के कारण सैचुरेट, ठीक है। पीएन जंक्शन पर फॉरवर्ड करंट की वजह मेजोरिटी करंट फ्लो करता है, लेकिन रिवर्स सैचुरेटेड करंट किसके हो जाता है, तो मैग्नेटिक कैरियर के कारण होता है। और चालक में होल की गति वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होती है। फर्मी ऊर्जा, यानी देखिए फर्मी ऊर्जा का मतलब क्या है जी, जो एनर्जी गैप होता है उसकी बात कर रहा है। ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जाने वाली आवश्यकता होती है। देखिए फर्मी ऊर्जा क्या है जी, जो हमने बनाया था एनर्जी गैप जो बनाया था, हमने यहाँ क्या बनाया था, कोवेलेंस बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनाया था, वैलेंस बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे कोवेलेंस बॉन्ड, तो इसके बीच जो एनर्जी गैप होता है उसी को बोल रहा है फर्मी, फर्मी एनर्जी बोला जा रहा है जी, ठीक है ना, फर्मी एनर्जी। तो वही बोला कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन में ले जाएंगे, जो एनर्जी देगा क्या हो जाएगा जी, उसको बोला है कि कंडक्शन बैंड से ले जाने की दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी बोलते हैं, फर्मी ऊर्जा बोलते हैं जी। एक आदर्श डायोड को फॉरवर्ड बायस में शून्य तथा रिवर्स बायस में अनंत प्रतिरोध होता है। देखिए जी अब सुनिए, फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, जीरो जीरो रेजिस्टेंस होगा जी, इसका मतलब हुआ पूरा का पूरा करंट फ्लो करे, लेकिन रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, अनंत प्रतिरोध करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए किसी को, अगर मान लीजिए फॉरवर्ड में लगाते हैं तो करंट पास करेगा, जैसे इस तरह करंट दिया तो करंट पास किया, और जैसे ही रिवर्स हो जाएगा तो मान लीजिए रिवर्स में अगर मान लीजिए देखिए ये करंट जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब हुआ कि अगर फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है तो यहाँ पे करंट पास होगा, पास हुआ, रिवर्स में क्या हुआ, करंट पास ही नहीं करने देगा, यानी ये जो करंट था वो क्या करेगा, गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, फिर से करंट पास करेगा। इसका मतलब हुआ देखिए डायोड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड में पास कर रहा है, रिवर्स में क्या कर रहा है, जीरो कर दे रहा है करंट, फॉरवर्ड में पास हो रहा है, फिर से रिवर्स, यानी ये क्या है, करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो जीरो हो गया। यहां से समझिएगा, अब यहीं से कंसेप्ट आता है जेनर डायोड का। जेनर डायोड का कंसेप्ट अभी सीखेंगे जी। जेनर डायोड कितने तरह, दो डायोड होते हैं जी, हम वैसे डायोड के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमने जो पढ़ा था अभी जेनर डायोड, अवलांस डायोड, तो जेनर डायोड भी होते हैं, अवलांस डायोड भी होते हैं, टनल डायोड भी होते हैं, बहुत सारे डायोड होते हैं, तो एक एक करके हम डायोड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जीनर डायोड से पता चला कि मैंने जीनर स्टडी चैनल का नाम रखा है जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं जी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और जीनर स्टडी का टहलका मत दीजिए, जिससे क्या हो मुझे भी खुशी हो कि मैंने भी कुछ पढ़ाया है जी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया जी। सभी दोस्तों को मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंजॉय योर लाइफ विथ योर मेक फन फन इन लाइफ। देखिए आप लोग भी फनी रहिए, पढ़ाई कीजिए, और स्टडी जो जीनर स्टडी है उसका भी क्या कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा सा बढ़ते हैं जीनर डायोड की तरफ से। जीनर डायोड आया इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया कि जीनर स्टडी मैंने नाम रखा, इसके प्रॉपर्टीज ही पता चल जाएगा आपको। देखिए इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में किया जाता है, क्या रहे, रेगुलेटर परिपथ, रेगुलेटर क्या होता है जी, मतलब स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर क्या थी, रेगुलेटर मतलब क्या जी, जो कांस्टेंट वोल्टेज क्या करे दे, जैसे हमको चाहिए 3 वोल्ट का वोल्ट है तो क्या है 3 वोल्ट का दे, अगर हमको 4 वोल्ट का चाहिए तो 4 वोल्ट दे, हमको 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट दे, लेकिन कहने का मतलब फिक्स है जी, 12 वोल्ट का अगर चाहिए तो 12 वोल्ट ही चाहिए, हमको 8 वोल्ट नहीं चाहिए, हमको 13 वोल्ट नहीं चाहिए, हमको 11 वोल्ट नहीं चाहिए, 12 ही वोल्ट चाहिए जी। तो वही क्या है, रेगुलेशन हो गया, वोल्टेज रेगुलेट करता है कौन करता है जी, तो जीनर डायोड करता है, और जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करेगा, याद रखिएगा जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करेगा जी। वही बोलता है वोल्टेज रेगुलेट करता है, लेकिन जीनर डायोड किस में काम करता है, हमेशा रिवर्स बायस में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीनर डायोड कौन से बायस में काम करता है, तो किस बायस में काम करता है, तो रिवर्स बायस में काम करता है। अगर मान लीजिए जीनर डायोड को ही अगर फॉरवर्ड बायस लगा दे तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल डायोड की तरफ बिहेव करेगा, नॉर्मल डायोड की तरफ बिहेव करेगा, तो फिर से दूसरे डायोड में, जीनर डायोड में तो कोई फर्क नहीं रहा। तो इसीलिए जीनर डायोड को हम लोग स्टेबलाइजर में या रेगुलेटर में यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। बोला यह स्रोत वोल्टेज में परिवर्तन होने वाली भी लोड वोल्टेज नहीं रखता है, बोला है कि देखिए जो लोड वोल्टेज होता है उसको भी क्या करता है,
कांस्टेंट रखता है, फिक्स रखता है। यह पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है। बोला है कि पीएन जंक्शन डायोड है लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में ही से काम कराया जाता है, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद ही क्या हो जाएगा जी, उसका वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। तो जीनो डायोड का कट इन वोल्टेज यानी वोल्टेज कट इन वोल्टेज यानी क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है। ये सिलिकॉन का माना होता है, आपको भी पता होगा जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आधातु है, सेमीकंडक्टर है सब। ऐसे भी मैंने बता दिया कहे से जी सुने पार्वती, आप अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले वाले लेक्चर देखिए, हमने उसमें सेमीकंडक्टर के नाम बताए थे, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है जी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो हमने उसमें बता रखा है कि कौन कैसे है जी, कौन सा पंच मैंने पेंटावेलेंट है और कौन ट्राइवेलेंट है जी, पंच संजो जी और त्रि संजो जी। चलिए जीनर डायोड का वीआई कैरेक्टर देखिए, जीनर डायोड मैंने बताया कि फॉरवर्ड में क्या करता है जी, नॉर्मल डायोड की तरह, लेकिन रिवर्स में क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है जी, रिवर्स में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। अब देखिए इसके बाद से अगर कितना भी वोल्टेज दीजिएगा, इसके बाद कितना वोल्टेज दीजिएगा, तो देखिए इसका करंट तो बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा जी, फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या है, हमेशा फिक्स है, इसका वोल्टेज क्या है जी, फिक्स है। कितना इधर वोल्टेज दीजिएगा लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज क्या निकलेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज हमको फिक्स निकलेगा। तो अब देखिए अगर मान लीजिए मेरे सर्किट में अगर मान लीजिए मेरा सर्किट है, इसमें मैंने क्या किया, जेनर डायोड का सिंबल क्या होता है, आपने जीनर डायोड का सिंबल याद रखिएगा जी, ये है जीनर डायोड का सिंबल, ये है। अब देखिए हमने जीनर डायोड लगा रखा है जी, हमने क्या किया, ये रजिस्टर लगाया, ये क्या है जी, इनपुट वोल्टेज लगा दिया। ये जीनर डायोड है नहीं, ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसलिए क्या है, स्टेबलाइजर की तरह काम नहीं करेगा, इसको रिवर्स में लगाना पड़ेगा। तो रिवर्स में हमने लगा दिया, अब क्या करेंगे जी, इसको हम लोग यहां से आउटपुट वोल्टेज यानी लोड वोल्टेज ले लेंगे और इसके क्रॉस जो भी लोड लगाना है हम लोड लगा लेंगे। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा हमको, ये क्या मिलेगा, वीडी मिलेगा। वीडी क्या मिलेगा, वीडी मिलेगा, जो वीडी क्या होता है, फिक्स वोल्टेज मिलेगा यानी स्टेबलाइज वोल्टेज मिलेगा, स्टेबलाइज वोल्ट यानी स्टेबलाइज का मतलब रेगुलेटेड होगा, यानी हमको अगर 30 वोल्ट चाहिए तो 30 ही वोल्ट मिलेगा, अगर 40 वोल्ट चाहिए तो 40 वोल्ट ही मिलेगा, जिससे हमारे क्या होता है, ये हमको सर्किट में क्या करता है, स्टेबलाइजर बनाने में, रेगुलेटर बनाने में क्या करता है जी, हेल्पफुल होता है। आपको भी पता होगा जो फैन का रेगुलेटर होता है वो इसी जेनर डायोड से हम रेगुलेट करते हैं जी। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके यूज है हमने, अब देखिए इसके कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो हमने फॉरवर्ड बायस में, तो देखिए नॉर्मल डायोड की तरह है, तो फॉरवर्ड मैंने बायस में तो डिस्कस करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, तो रिवर्स में केवल डिस्कस कर रहते हैं। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज रहता है तो करंट बहुत कम होता है, अगर कम रहेगा ब्रेकडाउन से कम रहेगा तो क्या जाएगा, करंट बहुत कम जाएगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज करियर है, तो जेनर डायोड का करंट जीरो के लगभग बराबर होता है उसको। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो जेनर डायोड का करंट बहुत अधिक हो जाता है जो IZX हो जाता है, ठीक है ना, करंट क्या हो जाएगा, देखिए करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन जेनर डायोड के द्वारा कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होता है। बोल रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या हो जाएगा जी, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, फिक्स होगा। यही देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज है, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के डोपिंग परिवर्तन करके 2.5 वोल्ट से 300 वोल्ट तक परिवर्तित किया जा सकता है। बोला है कि जीनर डायोड का जो उसमें डोपिंग करना है उसको हम क्षेत्र करके क्या कर सकते हैं, 2.5 वोल्ट से 300 वोल्ट तक क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, यानी हम इतना कांस्टेंट वोल्टेज दे सकते हैं जी। जीनर डायोड में पी और एन दोनों क्षेत्र में हेवली डॉप्ड होते हैं, ये क्या होता है, हेवली डॉप्ड होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीनर डायोड में क्या होता है, दोनों हेवली डॉप्ड होते हैं, लेकिन बाकी और समय पूछा जाएगा तो लाइट डॉपिंग होता है जी। और डायोड में जीनर डायोड करंट प्रणाली प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से स्वसंयोजी बल टूटने का कारण होता है, जो क्या है जी, उसके जो इलेक्ट्रॉन के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटने की वजह से क्या होता है, जीनर डायोड का कार्य प्रणाली क्या होता है, एक्टिव होता है जी। हमने यहाँ पे जीनर डायोड पढ़ा, जीनर डायोड स्टेबलाइजर है, रेगुलेटर की काम करता है जी, आपको जीनर स्टडी है, आपको रेगुलेटर की तरह काम करेगा जी, आपको रेगुलेट करेगा कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस कंपटीशन के लिए पढ़ना है जी। तो जीनर स्टडी में आपका स्वागत है, फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। और स्टडी रेगुलेटर यानी जीनर से समझ ही सकते हैं कि रेगुलेटर स्टडी है जी, यानी स्टडी को क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा और आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।